हेलो, आगे देखिए, पिछली जो वीडियो थी उसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, आपका कहाँ तक कर लिया था। मैंने आपको जो पूरा लीनियर चार्ज डेंसिटी वगैरह वो वाला सारा सिस्टम है मैंने आपको ओवर करवा दिया था, ठीक। उसके बाद में आज पढ़ते हैं गाउस रूल, ठीक है। चैप्टर है एक, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि चैप्टर का जो सोल है, चैप्टर की जो आत्मा है वो यहाँ से है, ठीक है। तो गाउस रूल है वो आपको अगर अच्छे से पता है तो यू कैन डू एनीथिंग इन दिस चैप्टर। अब सुनो मेरी बात। अगर सबसे पहले बात करते हैं गाउस रूल होता क्या है। देखिए, मान लो कि आपके पास कोई सरफेस है, ठीक है, कोई भी सरफेस। मैं ये नहीं बोल रहा कि कोई क्यूब है, कोई और है, कोई भी सरफेस, मतलब कोई बंद सरफेस। जैसे बंद सरफेस कुछ भी मान सकते हो आप। जैसे अगर मेरी ये फिस्ट है, मुट्ठी है, अगर मैं इसको बंद कर लूँ तो ये इसके अंदर जो कुछ बंद हो गया वो भी एक बंद सरफेस है। कैसी भी सरफेस, ये मुट्ठी मान लो, ठीक है, ये इसके अंदर का पार्ट। यहाँ इसके अंदर मैंने कोई चार्ज रख दिया क्यू, तो ये क्यू चार्ज है, इसके कारण इससे जो फ्लक्स पास करेगा वो होगा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये बोला था गाउस ने, ठीक है। और गाउस ने पूरा रूल ये बोला था, देखिए फ्लक्स है वो क्या होता है, मैंने आपको जब ये चैप्टर स्टार्ट करवाया था तब बताया था कि फ्लक्स होता है ई डॉट डी एस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू में सरफेस एरिया। और अब मैं क्या बता रहा हूँ कि गाउस ने ही बोला था कि फ्लक्स है वो होता है क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो बस ये गाउस का रूल है। गाउस ने ये बोला था कि अगर कोई बंद सरफेस है उसके अंदर अगर कोई क्यू चार्ज रखा हुआ है तो उस क्यू चार्ज के कारण उस सरफेस से जो फ्लक्स पास करेगा वो कितना होगा, नेट फ्लक्स होगा, ठीक है, वो होगा सिग्मा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। मतलब इसके अंदर जितने भी चार्जेज है Q1, Q2, Q3 सबका सिग्मा और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो बस इतना सा है गाउस रूल, उसके अंदर और कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैं एक बार गाउस रूल की डेफिनेशन लिख देता हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस रूल द पासिंग फ्लक्स थ्रू ए सरफेस क्लोज्ड विल हैव ए नेट वैल्यू ऑफ चार्ज इंक्लूडेड इन द सरफेस एंड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये एप्सिलॉन नॉट है, ये आपकी क्या होती है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है। इफ सरफेस is in medium then phi is equal to E dot ds is equal to sigma q upon me। देखो डेफिनेशन इसकी क्या बोलती है। डेफिनेशन ये है कि इस रूल के अकॉर्डिंग किसी सरफेस से, किसी क्लोज सरफेस से, ठीक है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, गाउस का रूल तभी अप्लाई होगा सरफेस क्लोज है। अगर सरफेस क्लोज नहीं है, सरफेस ओपन है, तो देयर विल गाउस रूल विल नॉट अप्लीकेबल। तो अगर यहाँ पे कोई क्लोज सरफेस है, उस क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स पास करेगा उस फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, उसके अंदर जो चार्ज है उसका सम, ठीक है, मतलब जो चार्ज इंक्लूड हुआ है वो, और उसको डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ, और एक चीज़ ध्यान रखना, अगर ये जो सरफेस है ये वैक्यूम में रखी हुई है तब तो फाई हो जाएगा ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन में सिग्मा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और अगर ये सरफेस कोई मीडियम में है, पानी में है, तेल में है, तो सिग्मा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन, दैट इज द गाउस रूल। आगे देखते,
सो नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये पूछते हैं एग्जाम के अंदर, प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ रूल का प्रूफ क्या है? सो इस पे देखते हैं। अगर बात करें वही कि मान लो देखो ये कोई सरफेस है, क्लोथ सरफेस, ठीक है। इस क्लोथ सरफेस के अंदर आपने कोई चार्ज रख दिया Q, क्लियर। अब ये जो Q चार्ज है इससे R पॉइंट पर कोई कुछ है, मान लो कोई पॉइंट है P, ठीक है। इस P पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देखना हो तो आप क्या देखोगे? आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, पढ़ रखा है आप लोगों ने। अच्छा, आपको पता है फाई है वो क्या होता है? ई डॉट ds, ई की जगह ई, ds की जगह देखो, हाँ ई ds, और इसको ओपन करेंगे तो cos थीटा, जहाँ थीटा क्या है? थीटा मान लो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर है, ठीक है। और यहाँ से जो सरफेस आप निकाल रहे हो काट के वो ऐसे निकाल रहे हो, तो ds है वो इधर है, ठीक है। इनके बीच का एंगल तो बस ये। अब एक चीज़ सुनो, आप वैल्यू रख दो यहाँ पे, e क्या होता है k q अपॉन में r स्क्वायर ds cos theta, ठीक है। फाई कितना आ गया? फाई आ गया के क्यू डी एस कोस थीटा और अपॉन में स्क्वायर, ठीक है। और अब आप लोग एक काम करो, आप रट लो डी एस कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 4 पाई। तो यहाँ से जो आपका फाई है वो कितना आ गया? के क्यू 4 पाई। अब फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा है के क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलन नॉट इंटू में क्यू इंटू में 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आंसर क्या आया? फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलन नॉट। यहाँ हमने सरफेस के अंदर एक ही चार्ज लिया, अगर हम एक से ज़्यादा चार्ज लेंगे, इफ़ वी टेक चार्जेस मोर देन वन देन फाई नेट, जो कि कैसे निकलता है? ई डॉट डी एस, और जो कि कैसे निकलता है? क्यू अपॉन में एप्सिलॉन। तो दैट इज द प्रूफ ऑफ, ठीक है। कर लेना भी इसको, और तो क्या है। हाँ ये हो सकता है, ये रट लेना, और वैसे समझा देता हूँ, चलो मैं समझा देता हूँ, ठीक। सुनो इसको मैं समझाता हूँ थोड़ा सा। देखो ये सरफेस तो आपने ऐसी टेढ़ी मेढ़ी सरफेस ली, अगर आप मान तो कोई गोल सरफेस लो, ठीक, आप कोई गोल सरफेस लो, इस गोल सरफेस के सेंटर पे आप क्यू चार्ज रखो, ठीक। अब यहाँ से आर डिस्टेंस पे जो फील्ड होगा वो कितना होगा? ई होगा, और ई कितना होगा? के क्यू अपॉन में स्क्वायर, क्लियर है। अच्छा एक चीज़ और, अगर आप एक चीज़ देखो, ये कोई स्फेयर है, अगर आप इसके यहाँ से एरिया काट के निकालोगे तो एरिया कैसे निकलेगा? ऐसे ही निकलेगा। अगर आप कोई सरफेस है उसके यहाँ एरिया काट के निकालोगे तो ऐसे, मान लो आपको यहाँ से ये एरिया छीलना है तो आप कैसे छीलोगे? ऐसे ही तो निकालोगे बाहर की तरफ, ठीक है। एक चीज़ बताऊँगा आपको, जो आपका स्फेयर होता है ना, उसका एरिया हमेशा जिस पॉइंट पे आपको एरिया निकालना है, जैसे यहाँ से इस पॉइंट पे एरिया काट के बाहर निकालना है, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचो, उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर आपका उधर क्या निकलेगा? एरिया निकलेगा।
और टेंजेंट के परपेंडिकुलर क्या होती है? रेडियस। यानी ये हमेशा कहते हैं कि स्फेयर का जो एरिया निकलता है ना वो रेडियल निकलता है, मतलब रेडियस के अलोंग निकलता है दूर की तरफ। आप अंदर की तरफ तो दसा सकते हो एरिया को अगर आपका स्फेयर खोखला है तो, बाकी बाहर की तरफ आपका एरिया निकलेगा। क्लियर है? हाँ, तो स्फेयर का एरिया कैसे निकलता है? हमेशा रेडियल निकलता है। ठीक है, अब आप एक चीज़ सुनो, इस टर्म को देखते हैं, फाई इज इक्वल टू ई डी एस, तो ई कितना? के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर डी एस। देखो डी एस स्फेयर है, स्फेयर का एरिया कितना होता है? 4πr². ठीक है, तो यहाँ से आपका जो डी एस, और एक चीज़ और रुको दोबारा करवाता हूँ, यहाँ तक तो क्लियर होगा कि ई कितना आ गया के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। अब स्फेयर का अगर यहाँ से एरिया काट के निकालोगे तो वैसे ही निकलेगा डी एस। ठीक, तो फाई कितना आ जाएगा? ई के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर डी एस कोस थीटा। यही तो होता है ई डी एस कोस थीटा। अब सुनो, इसकी वैल्यू आपको पता करनी है ना कि 4π होती है या नहीं होती। तो देखो स्फेयर का एरिया कितना होता है? 4πr² कोस थीटा। बताओ यहाँ पे थीटा कितना? इधर ही ई है, इधर ही डी एस है, थीटा कितना? 0°। तो कोस 0 की वैल्यू कितनी? 1। तो 4πr² इंटू में 1 और बटे में r² ये कैंसिल, आंसर कितना आया? 4π। तो बस ये इतना ध्यान रखो कि जो आपका ये डी एस कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर है ना, ये स्फीयर से निकालते हैं तो ये 4π आता है, और बाकी ये हर केस में 4π बनता है। ठीक है, क्योंकि देखो अगर आप यहाँ से हर डायरेक्शन में अगर ऐसे एरिया लोगे पूरा तो वैसे भी एंगल 4π बन जाएगा, है ना? तो कर सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बाकी रिमेंबर कर लो तो और ही अच्छी बात है, कर सकते हो आप। क्लियर? ठीक, आगे देखते हैं। तो ये हमने कर लिया, गाउस जो रूल है आपका उसका प्रूफ हमने